हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप दैट यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला चैप्टर कवर कर रहे थे, उसी में मेथड्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने टोटल आउटले मेथड यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर मेथड को कवर कर लिया था। अभी हमारे पास टू इम्पॉर्टेंट मेथड्स और रिमेनिंग हैं, तो आज हम उन दोनों मेथड्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। सो देखते हैं कि व्हाट आर द अदर मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की कीमत लोच को मापने की और विधियां कौन सी हैं। सेकंड मेथड जो हमारे पास आज है वो है प्रोपोर्शनेट या जिसको परसेंटेज मेथड बोला जाता है, यानी कि अनुपातिक या प्रतिशत विधि। देखिए ये क्या है, अनुपातिक मतलब ये रेशो है किसी चीज की, तो इट इज दी रेशो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर आप लोगों ने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जो मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड की थी, अगर आपने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वो फर्स्ट वीडियो अच्छे से देखी हो तो आपको पता चल जाना चाहिए कि हमने बिल्कुल इसी तरह का मीनिंग जो है वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की मीनिंग में हमने पढ़ा था, जिसमें हमने ये जो फॉर्मूला मैंने यहां लिखा है नेगेटिव साइन आगे लगाकर लिखा था, उस वक्त भी ये सेम वही फॉर्मूला यहां पर आपको प्रेजेंट किया गया है। तो मांग की कीमत लोच, मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन और कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात है, रेशो है इन दोनों का, मतलब कितना परसेंटेज चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में आ रहा है और कितना परसेंटेज चेंज प्राइस में आ रहा है। लेकिन अब आपको यहां पर इस पर्टिकुलर मेथड में और आगे ज्यादा क्लैरिफाई किया हुआ है, इसे एक फॉर्मूले के फॉर्म में आपको प्रेजेंट किया हुआ है। हम देखेंगे कि ये फॉर्मूला डिराइव किस तरीके से होता है। तो देखो बहुत ही ध्यान से, आपने सिर्फ इतना फॉर्मूला किया हुआ है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये मतलब आपको पता है, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर हमें न्यूमेरिकली इसे प्रेजेंट करना हो तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। देखो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब क्या होता है कि पहले की क्वांटिटी और जो न्यू क्वांटिटी है दोनों में कितना डिफरेंस है, दोनों में कितना बदलाव आ रहा है। मतलब अगर पहले 100 थी, अब अगर क्वांटिटी 120 हो गई है तो कितना चेंज हुआ, प्लस का 20। ये प्लस माइनस लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है, ठीक है। प्लस का 20 यहां पर लिखा आएगा Q1 माइनस Q0। ये जो Q1 और Q0 है जो मैंने न्यूमरेटर में लिखा है, व्हाट इज दिस, दिस इज डेल्टा क्यू। डेल्टा का मतलब अगर आपने मैथ्स में भी पढ़ा हो तो चेंज होता है, तो डेल्टा क्यू किसके बराबर है, Q1 माइनस Q0 के, ठीक है। किसी भी चीज की अगर हमने परसेंटेज कैलकुलेट करनी हो तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, और हमें तो यहां पर प्रोपोर्शनेट चेंज भी देखना है। तो अगर प्रोपोर्शनेट चेंज देखना हो तो हमें पहले यहां पर ही प्रोपोर्शनेट चेंज पता लगाना पड़ेगा, परसेंटेज चेंज पता लगाना पड़ेगा। किसी भी चीज का अगर प्रोपोर्शनेट चेंज हमने कैलकुलेट करना हो तो हम बेस से उसकी कंपैरिजन करते हैं। इसीलिए जो यहां पर मेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकालने के लिए जो आपको न्यूमेरिकल फॉर्मूला यहां पर प्रेजेंट किया गया है, उसमें Q1 माइनस Q0 को Q0 से यानी कि बेस क्वांटिटी से डिवाइड कर फिर परसेंटेज कैलकुलेट की हुई है। बिल्कुल इसी तरीके से जब आप परसेंटेज चेंज इन प्राइस यानी कि जो ये डिनोमिनेटर वाला है इसको कैलकुलेट करोगे तो इसमें भी कुछ इस तरीके से ही लिखा हुआ आ जाएगा। सिर्फ यहां पर क्वांटिटी थी, यहां पर प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये कैलकुलेशन करेंगे। तो अब आपको खुद अंडरस्टूड हो जाना चाहिए कि अगर डेल्टा क्यू Q1 माइनस Q0 था तो जो मैंने यहां पर P1 माइनस P0 लिखा हुआ है, व्हाट इज दिस, दिस इज डेल्टा P इज इक्वल टू
P1 माइनस P0। इसीलिए आपकी बुक्स में जो आपको ज्यादातर फॉर्मूलेज दिए हुए होते हैं उसमें डेल्टा क्यू या डेल्टा पी नाम से यूज किया हुआ होता है। अगर मैं इसे और ज्यादा सिंप्लीफाई करना चाहूं इस फॉर्मूले को, तो मैं कुछ इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकती हूं। देखो 100 से 100 यहां कट हो जाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब मैं इसको आगे कंटिन्यू करती नहीं हूं, मैंने इसको कट कर दिया। मेरे पास क्या बचा, Q1 माइनस Q0 को मैंने डेल्टा Q लिख लिया, P1 माइनस P0 को मैंने डेल्टा P लिख लिया, ठीक है। तो फाइनली जो फॉर्मूला है वो कुछ अभी फिलहाल के लिए इतना बनकर आया कि डेल्टा Q अपॉन Q0 अपॉन डेल्टा P अपॉन P0। अब देखो बहुत ही ध्यान से, अगर हम इसे सॉल्व करें तो कुछ इस तरह से ये सॉल्व होगा। हमें पता है कि जो चीज डिनोमिनेटर में नीचे होती है जब हम ऊपर लेकर जाते हैं तो वो जंबल हो जाती है, उल्टी हो जाती है, है ना। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो कुछ इस प्रकार से हमारे पास ये आ जाएगी। ये जो डेल्टा क्यू अपॉन Q0 है वो तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन जब इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे तो ये P0 अपॉन डेल्टा पी हो जाएगा। आपकी बुक्स में कुछ इस तरह का फॉर्मूला आपको प्रेजेंट कर दिया हुआ होता है, जिसमें डेल्टा डेल्टा एक साइड पर लिख लेते हैं और बेस प्राइस एंड क्वांटिटी जो है वो एक साइड पर लिख लेते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारे इस प्रोपोर्शनेट मेथड के जरिए हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मैं तो कहूंगी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कई बार एग्जाम्स में आ जाते हैं, शॉर्ट में ही आते हैं, लेंथी में नहीं आते हैं, लेकिन मैंने आज की इस वीडियो में इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को कवर नहीं किया है। इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए मैं एक स्पेसिफिक वीडियो ही तैयार करूंगी। तो आई होप कि आपको आज का ये प्रोपोर्शनेट मेथड जो है वो क्या है, मीनिंग समझ में आ गया होगा और किस तरह से न्यूमेरिकली ये पर्टिकुलर फॉर्मूला इस बेसिक फॉर्मूले को यूज कर डिराइव किया गया है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम मूव ऑन करेंगे हमारे आज के सेकेंड इम्पॉर्टेंट मेथड की तरफ, और मैं यही तीन मेथड्स ही कवर करवाऊंगी, जिनमें से मैं एक कवर करवा चुकी हूं आपको, टोटल आउटले मेथड, सेकेंड हमने अभी अभी कवर किया। सो द थर्ड वन इज ज्योमेट्रिक मेथड और ग्राफिक मेथड और पॉइंट मेथड, ये कुछ नाम आपको थर्ड मेथड के बताए हुए हैं, ज्यामितीय विधि, ग्राफिक विधि या बिंदु विधि। देखो इस मेथड में क्या है, दिस मेथड इज यूज्ड टू मेजर द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट एनी गिवन पॉइंट इन द कर्व। अब कर्व कौन सा है, देखो ऑब्वियसली है, अगर हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर कर रहे हैं तो इट्स ऑब्वियस कि हम यहां पर डिमांड कर्व की ही बात कर रहे हैं, कि डिमांड कर्व पर किसी भी पॉइंट पर अगर हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करना चाहते हैं तो हम ज्योमेट्रिक मेथड का, ग्राफिक मेथड का या पॉइंट मेथड का यूज कर सकते हैं। ऑल्सो दी इलास्टिसिटी विल बी डिफरेंट ऑन ईच पॉइंट इन दी कर्व, इलास्टिसिटी अलग अलग होगी अगर हम एक ही कर्व के अलग अलग पॉइंट्स पर मेजर करना चाहें कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी है। देखो आपको सबसे पहले ये चीज ध्यान में होनी चाहिए कि हमने कितनी कोटियां, कितनी श्रेणियां, या यूं कहूंगी कि कितनी डिग्रीज हमने पढ़ी हैं। हमने 5 डिग्रीज पढ़ी थी, जब हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की फर्स्ट वीडियो कवर की थी तो हमने 5 डिग्रियां कवर की थी। कौन कौन सी थी, एक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाली में जो इन्फिनिटी वाली थी, जो बताती थी आपको, मतलब सिंपल सी बात, एक परफेक्टली इलास्टिक हमने पढ़ी थी, एक परफेक्टली इन इलास्टिक हमने पढ़ी थी, हमने यूनिटरी इलास्टिक पढ़ी थी, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक एंड लेस देन यूनिटरी इलास्टिक, ये हमने कुछ 5 श्रेणियां पढ़ी हैं। तो हम अब डिमांड कर्व पर यही 5 श्रेणियां देखेंगे कि किस तरीके से कैलकुलेट की जा सकती हैं। इस विधि का प्रयोग किसी मांग वक्र के विशेष बिंदु की मांग की लोच ज्ञात करने के लिए किया जाता है। बिंदु दर बिंदु मतलब हर बिंदु पर मांग की लोच भिन्न भिन्न पाई जाती है। अब देखो इसके लिए जो न्यूमेरिकल फॉर्मूला यूज किया जाता है वो ये होता है, एक होता है, मतलब क्या फॉर्मूला है, मतलब सबसे ऊपर न्यूमरेटर में है लोअर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व,
डिवाइडेड बाय दी अपर सेगमेंट ऑफ दी डिमांड कर्व। ये फॉर्मूला बस आपको ध्यान में रखना है, आपको हर पॉइंट पर कितनी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये पता चल जाएगी। लेकिन इस मेथड में दो पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक्सप्लेनेशन बता रखी है। पहला पॉइंट है जब मांग वक्र एक सीधी रेखा हो, मतलब जब प्राइस में और क्वांटिटी में ना कांस्टेंट चेंजेस जब देखने को मिलते हैं ना, तो ज्यादातर जो डिमांड कर्व है वो एक स्ट्रेट लाइन बनता होता है, मतलब एक लीनियर लाइन बनती होती है, ठीक है, लीनियर कर्व होता है। तो अब लीनियर कर्व के केस में अगर मुझे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करनी है तो कैसे मेजर होगी, देखो बहुत ही ध्यान से। मैंने y एक्सिस पर प्राइस और x एक्सिस पर क्वांटिटी शो किया, मैंने एक डिमांड कर्व तैयार किया है, मैंने उस पर वेरियस 5 पॉइंट्स कवर किए हैं, ए बी सी डी एंड ई, ठीक है। अब देखो बहुत ही ध्यान से, सबसे पहला पॉइंट है ए। मैं अगर इस पॉइंट पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करना चाहूं और इस फॉर्मूले को ध्यान में रखूं, तो देखो लोअर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व ये ए पॉइंट है, मैं यहां पर हूं, इसका मतलब ये सारी सेगमेंट लोअर सेगमेंट बन गई। तो लोअर सेगमेंट कितनी है, ए ई, देखो ये ए से लेकर ई वाली सारी लोअर सेगमेंट है, डिवाइडेड बाय, फॉर्मूला कहता है डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट, अब ए से ऊपर तो कुछ है ही नहीं है तो जीरो। किसी भी चीज को अगर हम किसी भी डिजिट को जीरो से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता होता है, इन्फिनिटी। तो इसका मतलब यहां पर अगर हम मेजर करेंगे तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी होगी, इन्फिनिटी होगी। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं आपको ई पॉइंट का बताऊं, तो देखो ई पॉइंट में लोअर सेगमेंट इस बार कुछ भी नहीं है ई के बाद, तो जीरो, डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट कितनी है, ये पूरी ए ई जो थी वो अपर सेगमेंट थी, तो जीरो डिवाइडेड बाय ए ई। अगर हम जीरो को किसी भी अक्षर से डिवाइड करेंगे, किसी भी डिजिट से कहूंगी डिवाइड करेंगे, तो क्या आंसर आएगा, जीरो। तो देखो अब इन बिटवीन वाली रेंज मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, यहां जीरो है यहां इन्फिनिटी है, इसका मतलब जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ मूव करेंगे इन्फिनिटी सॉरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज्यादा होती चली जाएगी, जैसे जैसे हम नीचे की तरफ मूव ऑन करते रहेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम होती चली जाएगी। तो कुछ इस तरीके से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं अगर हमारा डिमांड कर्व एक लीनियर कर्व हो, स्ट्रेट लाइन कर्व हो, तो उस केस में इस फॉर्मूले को ध्यान में रखकर कुछ इस तरीके से अलग अलग पॉइंट्स पर हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप कि ये पर्टिकुलर पॉइंट, ये पर्टिकुलर कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब आज का एक लास्ट सेशन जो इसी मेथड में दूसरा पार्ट है, जब मांग वक्र सीधी रेखा न हो, व्हेन डिमांड कर्व इज नॉन लीनियर। देखो मैंने आपको लीनियर वाले में क्या मीनिंग बताया था, मैंने लीनियर वाले में आपको मीनिंग बताया था कि जब प्राइस और क्वांटिटी में कांस्टेंट चेंज देखने को मिलता है तो रिलेटिवली स्ट्रेट लाइन बनती होती है डिमांड कर्व। लेकिन जब प्राइस और क्वांटिटी में एक कांस्टेंट चेंज ना हो, किसी में ज्यादा है किसी में कम है, तो उस केस में क्या होता है कि कई बार जो हमारा डिमांड कर्व है वो एक नॉन लीनियर कर्व बन जाता है, मतलब एक कन्वेक्स लाइन बन जाती होती है, वो स्ट्रेट लाइन नहीं बनती होती है। तो उस केस में क्या होगा, व्हेन डिमांड कर्व इज ऑफ नॉन लीनियर नेचर देन अ टेंजेंट लाइन इज ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ विच प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये पीईडी क्या है, ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की शॉर्ट फॉर्म मैंने यहां लिख दी है, व्हेन ऑफ विच प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज टू बी मेजर्ड। जिस पॉइंट की हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करना चाहते हैं, आपको उस पॉइंट से एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, आपने मैथ्स में पढ़ा हुआ है कि टेंजेंट लाइन क्या होती है। तो देन सेम फॉर्मूला इज यूज्ड एज इन केस ऑफ लीनियर सेगमेंट कर्व। अब होगा क्या, जब हम वो टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर देंगे तो वो पॉइंट उस टेंजेंट लाइन को दो हिस्सों में बांट देगा और फिर हम वही लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट जो हमने लीनियर डिमांड कर्व में कैलकुलेशन करने के लिए यूज किया था फॉर्मूला, उस फॉर्मूले का अगर हम यूज करेंगे तो हमारे पास इस पर्टिकुलर कंसेप्ट में भी कितनी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जब मांग वक्र सीधी रेखा न हो तो उसके
उसके किसी बिंदु की मांग की लोच निकालने के लिए उस पर एक स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट लाइन बनाई जाती है ताकि लोच ज्ञात की जा सके, मतलब मांग की लोच, कीमत लोच ज्ञात की जा सके। वह बिंदु उस स्पर्श रेखा को दो भागों में बांट देगा और फिर सीधी रेखा वाला सूत्र इस्तेमाल कर, मतलब लीनियर डिमांड कर्व वाला सूत्र इस्तेमाल कर हम मांग की लोच का अनुमान लगा सकते हैं। तो देखो कुछ इस तरह से, देखो मैंने आपको पर्टिकुलरली शो करने के लिए ना मैंने दो पॉइंट्स लिए हैं। देखो अगर मैं बी पॉइंट पर मूव करती हूँ, आप स्केल से चेक कर देख सकते हो, ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है। आप स्केल से अगर चेक कर देखोगे, अगर ए पॉइंट पर चेक कर देखोगे तो ये कम है और ये वाला हिस्सा ज्यादा है, तो इसलिए यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मैंने मोर देन वन लिखा है। ठीक है, अगर मैं ये मेरा जो डिमांड कर्व था इसके बी पॉइंट पर इलास्टिसिटी मेजर करना चाहूं तो ये जो बी पॉइंट है वो इस टेंजेंट लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, इस वजह से ये जो मेरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो वन आ रही है। क्योंकि जैसे सपोज करो, मान लो यहां का मेजरमेंट भी फोर है और यहां पी बी का मेजरमेंट भी फोर है, तो फोर डिवाइडेड बाय फोर अगर हम करेंगे तो बी पॉइंट पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू वन आ जाएगी। वहीं अगर मैं ए पॉइंट पर देखूं तो अगर मान लो यहां का मेरा 4.2 आ रहा है और ये मेरा 3.8 आ रहा है, तो इट्स ऑब्वियस आपको देखने पर ही पता चल रहा है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर देन वन। तो आई होप कि जितना आज का सेशन मैंने आपको समझाया है, दोनों मेथड्स जो रिमेनिंग थे, दोनों मेथड्स मैंने कवर करवा दिए प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर करने के लिए, वो आपको सब समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड इट येट, शेयर द वीडियोस एंड लाइक द वीडियोस। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।